नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उनके खाते में कई बड़ी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई किरदारों में ऐसी जान डाली है कि वो ऐतिहासिक हो गए हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था वो स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए थे। उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि जब शूटिंग सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिर्फ भोजन की वजह से कॉलर पकड़ कर खींचते थे। ई टाइम्स में अपनी एक रिपोर्ट ने बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद किया और बताया कि कैसे एक वक्त था उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटा जाता था। नवाज ने बताया कि कई प्रोडक्शन हाउस ने भोजन को बांट कर रखा था, यानी मेन लीड्स अलग खाते थे, जूनियर आर्टिस्ट अलग और सपोर्टिंग आर्टिस्ट अलग खाते थे। ऐसे में कई बार नवाज ने मेन एक्ट्रेस की जगह पर खाना खाने की कोशिश की तो स्पॉट बॉय ने कॉलर से घसीटा। वहीं उन्हें पानी तक नहीं पूछा जाता था और मांगने पर भी इग्नोर कर दिया जाता था। वहीं नवाजुद्दीन ने बातचीत में ये भी बताया कि असराज फिल्म्स की उन्होंने तारीफ़ की और उनके सेट पर कभी ऐसा भेदभाव नहीं होता था, वो सबको समान तोलते थे।